ठीक है यार। वैसे मेरा मन है हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने का। हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर देते हैं। देखो हीट ट्रांसफर, देखिए बच्चों क्या है, अभी तक हमने ये समझा कि हीट एनर्जी होती क्या है ना। हमने ये देखा कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं क्या, हीट। टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे ये हमने सीखा है ना, और टेम्परेचर के बढ़ने से फिर क्या होगा, एक्सपांशन होगा। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी वो हमने देखा है ना। अभी तक हमने जिस बात का डिस्कशन नहीं किया वो क्या है कि एक्चुअल मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर का क्या होता है ना, हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है। और हमने इस बात के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी कि हीट ट्रांसफर में टाइम कितना लगता है ना, व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर, और टाइम कैसे लगता, कितना टाइम लगता। तो हम उसकी बात करते हैं। बेसिकली देखो देर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। वन इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तीन तरीके हैं जिनसे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ये पहले जो तरीके हैं इनमें क्या होता है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम की जरूरत तो पड़ती। रेडिएशन एक ऐसा तरीका है फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, अब ये होता क्या है, बेसिकली तीनों को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है, देखो ये जो कंडक्शन जो होता है, इट इज प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। इट इज प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। सॉलिड्स में जो मेनली हीट ट्रांसफर का तरीका होता है वो क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना। तो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर
बाय। कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। है ना? एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जैसे क्या है, आप ऐसे समझिए कि ये कोई रॉड है, आयरन रॉड मान लेते हैं, और हमने क्या किया, अभी मान लो इस पूरी रॉड का टेम्परेचर है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, और हम क्या करते हैं इस रॉड को फ्लेम के कांटेक्ट में रख देते, वी प्लेस इन कांटेक्ट विद सम बर्नर, बर्नर से फ्लेम निकल रही है, उसके कांटेक्ट में रॉड को हमने रख दिया। अब देखो क्या होगा, इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन थोड़े ही टाइम में हमें ये वाला हैंड भी गर्म फील होगा। अपन ने मान लो रॉड को पकड़ा हुआ है यहां से, तो इन सम टाइम ये जो राइट एंड ऑफ द रॉड है ये भी हमको गर्म फील होने लग जाएगा। और क्या बेटे, पहले रॉड का पहले टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, तो शुरू में तो पकड़ा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में क्या होगा, ये अपने को गर्म फील होने लग जाएगा। अब ऐसा कैसे हो पाया था, देखो हमने एक बात हमें पता होनी है कि भाई जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ता, उनका वाइब्रेशन बढ़ता है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। तो इस फ्लेम में जो भी ऑक्सीजन का बर्निंग हो रही है तो वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स वो दे आर वाइब्रेटिंग विद वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 400-500 डिग्री टेम्परेचर, और यहां पर अगर अपन बात करें रॉड के तो 20 डिग्री, उसके मॉलिक्यूल्स बेचारे धीरे धीरे वाइब्रेट कर, इसके मॉलिक्यूल्स तेज 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 वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होगा, जब ये रॉड के इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे या रॉड के एटम से टकराएंगे तो उनको क्या होगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, है ना, कंडक्शन मतलब प्लेन कोलिजन के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब क्या होगा, सबसे पहले जो फ्लेम के डायरेक्टली कांटेक्ट में जो रॉड का हिस्सा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट वाले हिस्से का, फिर यहां के मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा और कोलिजन के थ्रू एनर्जी यहां से यहां आगे ट्रांसफर होगी, है ना, फ्लेम से ट्रांसफर हुई रॉड को, रॉड से विद इन रॉड आगे एनर्जी का ट्रांसफर हो, और फिर धीरे धीरे इस एंड का भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अगर किसी आदमी ने इसको पकड़ा हुआ है तो he will feel the temperature to be rising. इसका कारण क्या है भाई, मतलब ये जो तरीका हुआ है एनर्जी का ट्रांसफर का थ्रू कोलिजन उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, दैट इज बेसिकली कंडक्शन। अच्छा एक चीज इसमें और समझने की है कि
कितनी जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर होता है वहां से, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, हैवीली इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्री हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फ्री वाले जो कि आसानी से टकरा करके एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बात क्या है बेटे, वो उस फैक्टर को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज, हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको के सिंबल से डिनोट करते हैं, और के का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी। और इसकी SI यूनिट होती है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये होती है क्या थर्मल कंडक्टिविटी। और ये मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल्स हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड थ्रू कंडक्शन जो होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थर्मल कंडक्टिविटी। Is directly proportional to this thermal conductivity. मतलब देखो मेटल होगा तो क्या होगा, आपको तुरंत गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन मेटल है तो क्या होगा, इट विल टेक टाइम। है ना, जैसे रहते ना किचन यूटेंसिल्स होते हैं तो उसमें क्या है, एक जैसे प्रेशर कुकर हुआ तो प्रेशर कुकर बैकेलाइट का मटेरियल लगा होता है, तो बैकेलाइट का दो यूज होते हैं, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। थर्मल कंडक्टिविटी लो होने की वजह से क्या है, जल्दी गर्म, देर से गर्म हो, हीट ट्रांसफर होने में समय लगता है। तो क्या है भाई, आपको ऐसा थोड़ी है कि उसको आधे घंटे तक पकड़ के रख, वही थोड़ी देर का काम है, उतनी देर तक गर्म नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को स्लो रखना, हीट ट्रांसफर तो होगा उसको क्या रखना है, स्लो रखना। नॉन मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, कंडक्टर्स में तो बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी एनर्जी पर सेकेंड ट्रांसफर वो कर पाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकरा पाएंगे, एक एक क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रॉन दूसरे क्रॉस सेक्शन से ज्यादा टकरा पाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, पर मीटर क्यूब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों क्या है काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर होता है क्या, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा ट्रू नहीं है, कभी कभी ऐसा ट्रू है, हर बार कभी कभी का मतलब क्या है, देखो क्या है, एक तो होता है क्या ऐसी काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी की जो कि आपका उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को भी डिस्प्लेस कर रही है, जैसे ये रॉड है, इस रॉड को अपन पकड़ के यूं भागने लग जाए अभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी बढ़ गई, प्रोटॉन्स की बढ़ गई, एटम्स मॉलिक्यूल्स की भी बढ़ गई, बट दैट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट लीड टू राइज इन टेम्परेचर, है ना। क्या होना चाहिए, रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, मतलब ऐसी काइनेटिक एनर्जी विच इज नॉट रिजल्टिंग इन टू एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या नेट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या ऐसी काइनेटिक एनर्जी विच डज नॉट लीड टू एनी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या रहे, जीरो ही रहे, तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या नाम दे देते हैं, थर्मल एनर्जी, है ना, दैट इज बेसिकली थर्मल, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या टक्कर वक्कर नहीं हो रही होती है एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में। हाँ बोलो बोले, हाँ बिल्कुल, जिस पार्ट का टेम्परेचर, लेकिन देखो बात क्या है कि यार क्या मतलब ये एक स्टडी स्टेट आ जाती है बेसिकली, है ना, तो जिस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये पूछना चाह रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें थर्मल एक्सपांशन कैसे लगाएंगे फिर, है ना, तो देखो इसमें दो बातें हैं कि जो हम थर्मल एक्सपांशन के जो फॉर्मूले पढ़ते हैं वो जनरली क्या है, वो तब हम अप्लाई करते हैं जबकि टेम्परेचर ट्रांजिएंट स्टेट वाले फॉर्मूले नहीं है वो, कि अभी उथल पुथल चली रही है, एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर हो ही रहा है, तो बीच में ही वो फॉर्मूला अप्लाई करने का नहीं होगा। हाँ, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पूरी बॉडी को ले गए, फिर कितना इंक्रीज हुआ तब आप लगाओ वो, है ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं वो उसकी बीच की प्रोसेस में घुस गए कि बढ़ने तक में क्या क्या हो रहा है ना, तो उस दौरान अपन क्या है ट्रांजिएंट स्टेट उसको बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है हीट एक्सचेंज, तो वंस दैट गेट्स, वंस द टेम्परेचर गेट्स स्टेबलाइज्ड तब आप वो फॉर्मूला लगाओ, है ना। अच्छा, थर्मल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही होती है, लेकिन वो रैंडम मोशन की वजह से, यार एटम तो अपनी साइट पे फिक्स होते हैं ना बेटे, एटम थोड़ी चलते, है ना, सॉलिड्स के एटम तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का लैटिस है, लैटिस की अलग अलग पोजीशन है, वहां पर एटम्स फिक्स होते हैं, है ना, तो उनकी वजह से उतना ट्रांसफर नहीं होता, जो प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होते सॉलिड्स, लिक्विड्स में भी होगा, लिक्विड्स में तो बिल्कुल एटम के ही कोलिजन हो जाते हैं, तो लिक्विड्स में आप बोल सकते हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स भी हो रहे हैं, लेकिन सॉलिड्स में तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन ही रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब देखो, हाँ बोलो बेटा, मतलब हीट तो यहां पर देखो एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया ना इसका, आप ऐसा सोचो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो हीट एब्जॉर्ब, हीट किसमें कर, बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ही तो हीट है, वही थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ही थर्मल एनर्जी, और हीट क्या है, हीट बेसिकली एक तरीका है जिससे कि थ्रू क्या है एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जैसे वर्क के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाते हो, तो हीट के तरीके से आप थर्मल एनर्जी बढ़ाते हो। अच्छा, तो देखो क्या है, अगर मान लो किसी भी तरह की यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट, स्टेडी
स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट किसी भी बॉडी में आ जाए कि क्या हो, अ स्टेट इन विच ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी A state in which each cross section of a body acquires a constant temperature and heat absorbed or emitted by any cross section is zero and heat absorbed or emitted by yeah directly aise likhe aur net heat absorbed by any cross section जैसे बच्चों एक बात मैं आपको समझाऊं कि मैंने यहां पे कहा था साहब मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे रॉड थी इसको फ्लेम के कांटेक्ट में रखा है ना तो कांटेक्ट में रखते ही इसमें स्टेडी स्टेट डेवलप नहीं हो जाएगी या स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट चालू नहीं हो जाएगा क्यों देखो हीट का फ्लो कब होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अब आप ऐसे समझिए कि ये जो रॉड का राइट वाला हिस्सा है ये तो 20 डिग्री पे ही है यहां पर तो कोई हीट का फ्लो शुरू में नहीं हो रहा होगा शुरू में हीट का फ्लो तो सिर्फ इस रीजन में ही हो रहा हो है ना और क्या होगा हीट एब्जॉर्ब भी होगी तभी इस वाले रीजन का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर इसका बढ़ गया उसके बाद ये हीट आगे ट्रांसफर कर देगा तो थोड़ी एनर्जी यहां से वहां आगे चली गई तो यहां से इधर एनर्जी और आएगी ठीक है अब तो ये जो तरीका यहां पर हीट फ्लो का हो रहा है ना इसमें क्या हो रहा है अलग अलग क्रॉस सेक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे भेज रहा है लेफ्ट से लिया राइट में दिया सिर्फ इतना ही काम नहीं है वो खुद भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ आगे भी ट्रांसफर हो रहा है खुद भी एब्जॉर्ब कर लेकिन एनर्जी ऑब्टेंड इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड वो बराबर रेट से हो रहा है ये कोई जरूरी नहीं तो इस तरह की जो स्टेट होती है उसको तो क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट फिर एक स्टेट आती है जिसको बोलते हैं क्या स्टेडी स्टेट वो स्टेडी स्टेट जनरली कब आएगी ध्यान दो कि आपने क्या किया रॉड के एक एंड को तो किसी एक हाई टेम्परेचर के सोर्स के साथ कांटेक्ट में रख दिया जैसे कि यहां पर आपने क्या रख दिया बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और इधर आपने क्या रख दिया मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट एंड है उसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा राइट एंड का टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है मतलब क्या है देखो ये वाला एंड हीट आगे भी ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा पानी है अभी बहुत सारा पानी है रिजर्वॉयर है पूरा का पूरा जो कि टेम्परेचर को 100 डिग्री ही रखे हुए है ना तो इस एंड का टेम्परेचर बदलेगा नहीं इसका 100 का 100 ही रहेगा राइट वाले एंड का टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा अब इसमें भी क्या होगा शुरू में थोड़ी देर
ट्रांजिएंट स्टेट आएगी, जबकि अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर अपने इनिशियल टेम्परेचर से बढ़ रहा होगा, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद इन सम टाइम व्हाट विल हैपन इज कि एक टेम्परेचर प्रोफाइल इस पूरी रॉड में जनरेट हो जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा इसके कि जैसे क्या होगा, यहां का टेम्परेचर 100 है तो इधर का 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 करके। तो देखो अल्टीमेटली होगा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस वाले रिजर्वॉयर से हीट का फ्लो होगा 0 डिग्री वाले में। ये दोनों तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, तो यहां से वहां तो हीट का फ्लो होगा ही होगा। किसके थ्रू होगा? रॉड के थ्रू होगा। और फिर उस समय पे इस रॉड का क्या काम रह जाएगा? सिर्फ उस समय पर रॉड का काम सिर्फ ये रह जाएगा कि 100 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में हीट का फ्लो करवाने का काम रह जाएगा। फिर उस केस में रॉड खुद कुछ हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहेगी, वो बस एक माध्यम का काम करेगी, वो मीडियम है सर, जो कि क्या कर रहा है, जिसके थ्रू हीट बॉइलिंग वाटर से मेल्टिंग आइस को जा रही है। ये बात समझ में आती है? तो दैट स्टेट, जबकि क्या होगा, अ स्टेट कम्स व्हेन अ टेम्परेचर ग्रेडियंट gets created across the rod, a temperature gradient gets created across the rod, a state comes when a temperature gradient gets created across the rod, so that rod does not get any cross section of the rod. Does not absorb any net heat. Huh? It just acts as a medium for the flow of heat. अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर ये स्टडी स्टेट आ क्यों जाती है, मतलब वो तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है ना, स्टडी स्टेट आपने लेफ्ट एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन किया हुआ है, राइट हैंड का टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन किया हुआ है ना। अब क्या है, आप ऐसे मानो कि मानो स्टडी स्टेट नहीं आती, स्टडी स्टेट नहीं आ रही का मतलब किसी एक पार्ट ऑफ द रॉड में ऐसा हो रहा है, किसी एक पार्ट ऑफ द रॉड में ऐसा हो रहा है कि उसको हीट मिल ज्यादा रही है और वो आगे कम हीट दे रहा। मान लो ये I1 है हीट करंट और ये क्या है I2 हीट करंट, ठीक है। कोई एक क्रॉस सेक्शन पे हम मान लेते हैं, मतलब मैं किससे प्रूव कर रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन वाले लॉजिक से प्रूव कर रहा हूं कि स्टेडी स्टेट तो कुछ देर में आ ही जाएगी। कैसे? ये क्रॉस सेक्शन है, इसको I1 रेट से हीट मिल रही है इतनी जूल पर सेकंड, और आगे जा रही है I2 जूल पर सेकंड। मान लो I1 ज्यादा है I2 से, है ना। अगर I1 I2 के बराबर हो गया इसका मतलब स्टेडी स्टेट, अगर I1 I2 के बराबर हो गया इसका मतलब क्या है स्टेडी स्टेट, अगर I1 I2 के बराबर हो गया इसका मतलब क्या है स्टेडी। हम अभी मान के चल रहे हैं स्टेडी स्टेट नहीं आई है और I1 I2 से बड़ा,
तो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन को हीट मिल रही होगी, यहां से आगे कम जा रही। इसका मतलब क्या, इतने से हिस्से का टेम्परेचर बढ़ेगा, इतने से हिस्से का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इधर और इधर टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आई वन की वैल्यू कम हो जाएगी और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो आई टू की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो जो थर्मल करंट ज्यादा था वो कम हो जाएगा, जो थर्मल करंट कम था वो बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा आप ऐसे समझो ना भाई, सिंपल सी बात है, दो बॉडी है, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, आपने उनको कॉन्टेक्ट में रखा, क्या धीरे धीरे वो मतलब सेम टेम्परेचर पे आ ही जाएंगे, पर नहीं आएंगे तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। अब यहां पे आपको, आपने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, इसको जीरो डिग्री मेंटेन किया, वहां से यहां का हीट का फ्लो तो होना ही है, तो क्या होगा, हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपको हीट का फ्लो चाहिए, हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट का फ्लो चाहिए। इसका मतलब हर क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कुछ ना कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए, तो वो जो टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, कुछ देर में कॉन्स्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, सो दैट एक कॉन्स्टेंट रेट से हीट का फ्लो होता रहेगा और वो हर जगह से वो हीट फ्लो बराबर। इन स्टडी स्टेट हम ये लिख सकते हैं, इन स्टडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल, इक्वल रेट से हीट फ्लो हो रहा होगा थ्रू एनी क्रॉस। क्या बेटे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसका जो टेम्परेचर हो गया है वो कांस्टेंट हो गया, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़, ठीक है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है मतलब हीट अब्सॉर्ब इक्वल टू हीट ट्रांसफर, है ना, जितना हीट मिला उतना इसने आपका, अब एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, स्टडी स्टेट आने के बाद अब एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है ना। और देखो हीट के फ्लो होने के लिए कुछ टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहिए ही आपको, जैसे यहां का टेम्परेचर टी है और हम कहें यहां का टेम्परेचर टी प्लस डी टी है, है ना, तो एक तो ये बात है कि डी टी नेगेटिव होना चाहिए तभी हीट का फ्लो लेफ्ट से राइट में होगा, है ना, और ये जो डी टी है ये मेंटेन रहना चाहिए ना, अगर हम चाहते हैं कि कॉन्स्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका टेम्परेचर T ही रहेगा, इसका T प्लस डी टी रहेगा, फिर आगे का 2DT, फिर ऐसे चलता है ना। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of area A is directly proportional to what? The area of that cross section. It is also directly proportional to temperature gradient dT by dx. मतलब अगर मैंने उस एरिया की थिकनेस कितनी ले ली है, dx ले ली है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, dt by dx, dt by dx का नाम होता है क्या,
टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये रेट ऑफ हीट फ्लो को हम क्या लिखेंगे? माइनस के ए डी टी बाई माइनस साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ हीट करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। है ना, या अपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। Is opposite to the direction where temperature gradient is positive, या in the direction where temperature decreases. Simple शब्दों में अगर इसको कहें तो heat flow किस direction में होगी? उस direction में जिधर temperature कम हो रहा है। तो डायग्राम में पहले डी प्लस टी प्लस डी टी और परमिट आना चाहिए ना? नहीं, तो अच्छा ये बोल दो ना डी टी नेगेटिव है। हाँ सर, इस जगह हम क्या बोल देते हैं डी टी, अगर मैंने हीट फ्लो राइट में दिखाया हुआ है इसका मतलब क्या है? डी टी नेगेटिव है, या यूं कहें डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? Positive. अगर वाकई में राइट डायरेक्शन में आपको हीट फ्लो कराना है, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी, है ना? The rod must be having a constant temperature greater than the normal room temperature during heat transfer. देखो पूरी रॉड का एक टेम्परेचर नहीं होता बेटे, है ना? हीट ट्रांसफर के दौरान पूरी रॉड का अगर सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हीट का फ्लो हो पाएगा? हीट का फ्लो होने के लिए हर क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, और ये टेम्परेचर डिफरेंस स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाता है ना? के इज थर्मल कंडक्ट, यस, ये जो के है ये के वही के है, कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी। हमने पढ़ा था ना थर्मल कंडक्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर थर्मल करंट क्या होगा, हीट करंट क्या होगा? हीट करंट इज नथिंग बट यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी को आप हीट करंट भी बोल देते हैं। आई थर्मल, थर्मल करंट, हीट फ्लो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा। इस चैप्टर को अपन करंट इलेक्ट्रिक कंडक्शन का जो है ना उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा ही मान सकते हो आप,
वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, चार्ज फ्लो पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पढ़ा, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। वहां पर भी मैंने एक बात तुम्हें समझाई थी कि क्या हो, वायर का एरिया यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो जैसा भी हो, क्या होता है करंट हर क्रॉस सेक्शन से सेम फ्लो होता है। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज कहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, वो इकट्ठा चार्ज होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, तो जो करंट ज्यादा था उसको कम कर देगा, तो कम था उसको बढ़ा देगा। यहां पर भी क्या होगा, अगर हीट फ्लो सेम नहीं हुआ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो हीट फ्लो ज्यादा है वो कम हो जाएगा, जो हीट फ्लो कम है वो बढ़ जाएगा, तो थोड़ी देर में क्या होगा स्टेडी स्टेट ऑफ हीट फ्लो आपके पास आ जाएगी। अच्छा वायर में भी स्टेडी करंट इलेक्ट्रिक करंट कब आता है, जब आपने उसके दोनों एंड को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन किया हुआ है। यहां पर भी स्टेडी स्टेट कब आएगी, जब एक रॉड के दोनों एंड को आपने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे मेंटेन किया, है ना, ये बात समझ में आती है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को तो आप स्केलर की तरह से ट्रीट कर सकते हो, है ना, वन डायमेंशनल के लिए तो आप इसको स्केलर की तरह से ही ट्रीट कर सकते हो। डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको राइट साइड में लिखना है थर्मल करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्या करना है, राइट साइड में आपको लिखना है कि थर्मल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप क्या है राइट साइड में जाओगे डीएक्स लोगे, है ना, डीएक्स डीएक्स की डायरेक्शन होगी, डीएक्स किस डायरेक्शन में लोगे टुवर्ड्स राइट, और आप देखोगे टेम्परेचर चेंज डीटी हो गया है ना, तो इधर टेम्परेचर टी मान लो, इधर मान लो टी प्लस डीटी, तो आप क्या वैल्यू निकालो डीटी बाय डीएक्स निकालो। अगर dt by dx वाकई में नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो आपका हीट फ्लो इसी डायरेक्शन में आएगा प्रोवाइडेड dt by dx नेगेटिव है ना। अगर आप लेट से लेफ्ट साइड में चले गए तो लेफ्ट साइड में जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, तो dt by dx की वैल्यू अगर dx आपने लेफ्ट में ले लिया तो dt by dx विल बिकम पॉजिटिव। If dt by dx become positive, positive into negative will give you negative. इसका मतलब left side का thermal current negative है, मतलब flow of heat right side. ठीक है? इसको rub कर दे बच्चे. Yes sir. अब देखो. इसको मैं आई थर्मल लिखता हूं, आई थर्मल ये किसके बराबर आ गया, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स के, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस डी टी डिवाइडेड बाई क्या, dx 1 by k into dx upon area. देखो k क्या है बेटे, थर्मल कंडक्टिविटी, तो 1 by k को थर्मल रेजिस्टिविटी बोल सकता हूं, तो ये जो फॉर्मूला है ये rho l by a जैसा ही है। 1 by k को मैं अगर नाम दे दूं क्या थर्मल, तो क्या ये रो एल बाई ए जैसा फॉर्मूला होगा, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो इस पूरे, तो आई थर्मल थर्मल करंट इंटू वन बाई के डीएक्स बाई ए, ये बराबर आ गया किसके,
माइनस डी टी के, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको जीरो से लेकर के किसी वैल्यू एल तक इंटीग्रेट कर दो, इसको एक्स इक्वल टू जीरो बोल देते हैं, इसको एक्स इक्वल टू एल बोल देते हैं, है ना। और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां टेम्परेचर हाई मान के चल रहे हैं, वहां टेम्परेचर लो मान के चल रहे हैं। अब स्टेडी स्टेट में थर्मल करंट सेम होता है, तो थर्मल करंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और आपके पास क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ वन बाई के डी एक्स बाई ए फ्रॉम जीरो टू एल, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ टी, लिमिट डाला तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई थर्मल, तो आ जाए, उसको भी अंदर ही रखा हुआ है मैंने फॉर सम रीजन, वन बाई के डी एक्स बाई ये हो गया टी हाई माइनस टी लो। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये रो एल बाई ए का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, टी हाई इज हाई टेम्परेचर, टी एल इज लो टेम्परेचर, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, मैंने बोला तो था ये क्या होता है, टी हाई इज हाई टेम्परेचर, टी एल क्या है लो टेम्परेचर, है ना। इस एंड का टेम्परेचर एक्स इक्वल टू जीरो का टेम्परेचर मैंने एक्स इक्वल टू जीरो का टेम्परेचर टी हाई मान लिया, एक्स इक्वल टू एल का टेम्परेचर लो मान। अब ये जो क्वांटिटी क्या इसको मैं थर्मल रेजिस्टेंस बोल दूं, थर्मल रेजिस्टेंस है ना, और ये किसके बराबर आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता था V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस, रेजिस्टेंस की जगह आ गया थर्मल रेजिस्टेंस, करंट की जगह क्या आ गया, थर्मल करंट। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ होता था वैसा ही आ गया, दिस इज एनालॉगस टू I into R is equal to V. और रेजिस्टेंस क्या होता था, रो एल बाई ए ही तो होता, और अगर वेरिएबल एरिया होता तो कैसे निकाल देते, इंटीग्रल रो डी एक्स बाई ए करके निकाल देते, तो ये वन बाई के क्या हो गया आपका, रो डी एक्स बाई ए, तो ये पूरी रॉड का क्या आ गया, रेजिस्टेंस। मतलब आपके पास स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, है ना, डी क्यू बाई डी टी, इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो, डी क्यू इज एनर्जी फ्लो इन टाइम डी टी, एनर्जी फ्लो इन टाइम dt, ये बात सुन लो, एनर्जी फ्लो इन टाइम dt, तो dq by dt क्या हो जाएगा, dq by dt हो जाएगा एनर्जी फ्लो पर सेकेंड,
इसकी यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड या वॉट? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही तेज, मतलब उतना ही ज्यादा एनर्जी पर सेकंड फ्लो हो रही हो। अरे यार ऐसे लिख दिया ना मैंने, रेजिस्टेंस के जैसा ही तो दिख रहा है फॉर्मूला है। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे माना, मतलब मान लिया वैसा ही फॉर्मूला दिख रहा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने, है ना भाई? रो एल बाई ए के जैसा फॉर्मूला दिख रहा था मेरे को, नहीं के कंडक्टिविटी है तो वन बाई के क्या हो गया? रेजिस्टिविटी, ये लेंथ एरिया, वो तो क्या रेजिस्टेंस इतना के? ये रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, कैसा है इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोल, मतलब इसकी यूनिट ओम मत यूज करने लगना, ये ओम नहीं है। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे? पहले तो अपने दिमाग में रो एल बाई ए फॉर्मूला याद करो, रो एल बाई ए, रो की जगह बस क्या लिख दो वन बाई के, एल की जगह डी एक्स, एरिया की जगह ए, और इसको क्या कर डालो डी। ना? इसकी यूनिट क्या है? वॉट पर केल्विन, नहीं सॉरी केल्विन पर वॉट, है ना? भाई इसके यूनिट वॉट आनी चाहिए ना, ऊपर केल्विन क्या होना चाहिए? केल्विन, आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमने के की क्या यूनिट बताई थी? वॉट पर मीटर केल्विन। डीएक्स क्या है? मीटर। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। ये वन बाई के है ना, तो मीटर केल्विन पर मीटर स्क्वायर, से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो केल्विन पर वॉट यूनिट आ जाएगी। अगर हमारे पास मान लो यूनिफॉर्म एरिया की रॉड आ जाए, कैसी रॉड आ जाती है? ये एंड हाई टेम्परेचर पे टी हाई, ये एंड लो टेम्परेचर पे टी लो, तो इसके थ्रू स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट कैसे लिखेंगे? उसको स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट कहो या डी क्यू बाई डी टी कहो या थर्मल करंट कहो, एक ही बात, टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा वन बाई के डी एक्स बाई ए, जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाय इसका एरिया भी यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल डीएक्स एल आ जाए, तो यह आ जाएगा टी हाई माइनस टी लो वन बाई के एल बाई के। दिस इज, इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के ए टी हाई माइनस टी लो बाई एल,
ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली आपका वही वाला फॉर्मूला है, के ए डी टी बाई डी एक्स वाला है। उसी के जैसा है ना, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए। डी टी की जगह पूरा डेल्टा टी, डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, टोटल लेंथ, ये ऐसा लिख सकते हो आप। डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, टोटल लेंथ लिख सकते हो, है ना। प्रोवाइडेड एरिया इज यूनिफॉर्म, हर जगह पर एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाई इस पूरे का थर्मल रेजिस्टेंस। और दो तरीके से अपन को लिखना आना चाहिए, एक तो क्या है डेल्टा टी बाई आर, या दूसरा क्या है के ए टी हाई माइनस टी लो बाई एल। बेसिकली आर को ही हमने क्या लिखा है, वन बाई के एल बाई ए, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो उसमें कन्वर्ट, तो आइदर यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन और यू कैन यूज दिस, बोथ आर बेसिकली सेम, है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर क्या है, बेटर है हम ये वाला तरीका अपनाएं, बस उसमें रेजिस्टेंस को वन बाई के एल बाई ए लिखने की जगह वन बाई के डी एक्स बाई ए लिख के पहले अलग से रेजिस्टेंस निकाल लो, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस का क्या इंटीग्रेट करके निकालना, वो मतलब उसको अलग से, ए को अलग से इंटीग्रेट नहीं करना अपने को, अपने को तो इंटीग्रेशन करते समय क्या है, एरिया को फॉर्म में एक्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो। देखो जैसे मैं दोनों दोनों तो मैं बता देता हूं, ऐसे ज्यादा नहीं आइडिया लगे तो मानो आपसे कहा जाए कि ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसकी रेडियस आर है, लेंथ एल है, है ना, एक एंड इसका हाई टेम्परेचर पे है, एक एंड इसका लो टेम्परेचर पे है, तो थर्मल करंट क्या हो, तो ये हो जाएगा कि हाँ के ए टी हाई माइनस टी लो बाई एल। अगर उसकी जगह हमसे कहा जाए कि एक ऐसी रॉड है हमारे, इसका एक एंड टी हाई टेम्परेचर पर, एक एंड टी लो टेम्परेचर, टी एच स्टैंड फॉर हाई टेम्परेचर, टी लो स्टैंड फॉर लो टेम्परेचर, लेफ्ट साइड की रेडियस आर वन, राइट साइड की रेडियस आर टू, इसकी लेंथ एल, तो हमें थर्मल करंट पता करना है साहब क्या हो। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, आई को आप सिंपली लिख दोगे कितना, टी हाई माइनस टी लो अपॉन इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन वन बाई के डी एक्स बाई ए।
अब देखो ये कैसे कैसे लिखेंगे बच्चों का एरिया वगैरह भाई आप क्या करो इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दो है ना और फिर उसके बाद क्या करें इधर यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे आप पहुंच जाओ तो एक्स डिस्टेंस पे आप पहुंच गए वहां पर जो एरिया बन रहा है उसकी रेडियस आप आर मान लो उसकी रेडियस क्या मान लेते हैं आर और इनफैक्ट अपन ऐसा करते हैं कि एक्स डिस्टेंस यहीं से लेते हैं लेट अस टेक डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस ताकि एक्स को फिर जीरो से एल तक निकालना पड़े लेकिन मुझे जरूरत इस डिस्टेंस की भी पड़ेगी तो इसको मैं d मान लेता हूं लेट इट बी इक्वल टू सम वैल्यू d एंड लेट दिस हाफ अपेक्स एंगल बी थीटा तो r को क्या मैं d प्लस x इंटू टेन थीटा ऐसा लिख सकता हूं r को लिख सकता हूं d प्लस x इंटू टेन थीटा तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फिर उसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूंगा तो मेरे पास जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटे वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई के डीएक्स बाई ए इज पाई आर स्क्वायर एंड व्हाट इज आर आर इज आर इज ये पूरी क्वांटिटी तो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा वन बाई के इंटू पाई इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन बाई के पाई टेन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स की वैल्यू कहां तक सब्स्टिट्यूट कर दें जीरो से लेकर के एल तक कहां बटे अच्छा देखो मतलब ये जो अपन कर रहे हैं समझ में आ रहा है यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसमें ओके देखो अब क्या है dx अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन डी प्लस एक्स लिख सकते डी प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन तो डी प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन यानी माइनस वन बाई डी प्लस एक्स तो ये आपके पास कितना हो जाएगा वन अपॉन के पाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन आएगा वहां पे माइनस वन लगा देते हैं डी प्लस एक्स तो वन अपॉन अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी प्लस एल माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा देखो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन के इंटू पाई इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू
डी प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई डी और डी माइनस डी प्लस एल, तो यहां पर माइनस एल आ जाएगा। तो आर माइनस वन इंटू एल मल्टीप्लाई होकर के तो ये एल ही आ गया, के इंटू पाई। अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको दो टुकड़ों में बांट लो, डी प्लस एल टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टेन थीटा। अब देखो डी टेन थीटा क्या आर वन के बराबर लिख सकते हैं, और डी प्लस एल टेन थीटा को आर टू के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर टू, ये हो गया आर वन, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, एल बाई के पाई इंटू आर वन इंटू आर। ये ऐसा थर्मल रेजिस्टेंस आपका, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, आपका करंट आ गया, है ना। करंट की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी हमारी, आई इज टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाई वन बाई के एल बाई ए, ए की जगह आ गया पाई आर वन आर टू। ये ऐसा थर्मल, ये फ्रस्टम का अपन ने रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी निकाला होगा कुछ, yes, sir. है ना, बिना कोण किए कंप्लीट किए तो कैसे करोगे। सो वो आर टू माइनस आर वन बाई एल को टैन थीटा ले लेंगे ना। हाँ मतलब बेसिकली वो सिमिलैरिटी से आप ऐसा कर सकते हो कि भाई क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो लेंथ के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो देखो अगेन क्या है वो समझने समझ के करने वाली बात है। अगर कोई हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि L लेंथ के इंक्रीज होने पे रेडियस में कितना इंक्रीज हो जाता है, R2 माइनस R1, तो पर यूनिट लेंथ जाने पर इंक्रीज इन रेडियस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 बाय L। तो X लेंथ जाने पर जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, R2 माइनस R1 बाय L इनटू X। तो बेसिकली x डिस्टेंस पे रेडियस क्या आ जाएगी, ये तो इंक्रीज इन रेडियस आ रहा है, रेडियस हो जाएगी r1 प्लस r2 माइनस r1 अपॉन l इनटू x, है ना। ऐसा भी आप कर सकते थे लेकिन क्या है वो ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही रहती है, कुछ खास है। सर ये जनरल फॉर्मूला भी तो हो सकता है ना फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट टर्म के रेजिस्टेंस के लिए जनरल फॉर्मूला भी हो सकता है ना। जो लोग याद करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो इसको याद ही रख लें, नहीं कहानी ही खत्म हो जाएगी, ये सब के चक्कर से मुक्त हो जाओ, सीधे आपने याद ही रख, भाई मुझे तो याद है खत्म। क्या बोल रहे हैं, हीट फ्लो इधर फ्लो होने लग जाएगा, इसमें तरीका तो वही रहेगा भाई, तुम यही तो बोल रहे हो सर इसका टेम्परेचर कम हो जाता इसका ज्यादा हो जाता तो क्या करो, टी हाई माइनस टी लो ही करो, हीट लेफ्ट में फ्लो होने की जगह राइट में फ्लो होने की जगह लेफ्ट में फ्लो होने, है ना। देखो वो जो मैं रेडियस पता लगाने के लिए सेकंड अप्रोच जिसको बोल रहा था, सेकंड अप्रोच टू एक्सप्रेस आर एस फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें क्या है आप ऐसे समझो कि रेडियस में चेंज क्या आ रहा है, पर यूनिट चेंज इन लेंथ रेडियस में चेंज कितना आ रहा है, R2 माइनस R1 बाई L, है ना, L लेंथ पे R2 माइनस R1 आता है, तो यूनिट लेंथ पे कितना आएगा R2 माइनस R1 बाई L, तो X लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा R2 माइनस R1 बाई L इनटू X,
और पहले आर वन था तो अब कितना हो जाएगा, आर वन प्लस एक्स, तो ये आर की वैल्यू एज फंक्शन ऑफ एक्स इतनी आ जाएगी, है ना। हम ये मान रहे हैं कि रेडियस जो है, मतलब मान क्या रहे हैं, अगर कौन है तो रेडियस एक्स के साथ लीनियरली बढ़ ही रही है ना। मतलब या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि R2 टू माइनस आर वन बाई एल इज इक्वल टू आर माइनस आर वन अपॉन एक्स। मैंने क्या इक्वेट कर दिया, चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ मैंने इक्वेट कर, चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ इज कॉन्स्टेंट, वही बेसिकली ये है ना। जैसे यहां से यहां आप dx लेंथ गए और रेडियस कितने अमाउंट से बढ़ गया, कुछ dr अमाउंट से रेडियस बढ़ गया, तो dr by dx इज कॉन्स्टेंट, dr by dx। देखो जैसे मान लो ऐसी कोई रॉड है, ये रॉड है ना, अब ये अलग अलग इसके क्रॉस सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शन वन, क्रॉस सेक्शन टू, क्रॉस सेक्शन थ्री, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अरेंज टेम्परेचर ग्रेडियंट्स एट क्रॉस सेक्शंस वन टू एंड थ्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन स्टेडी स्टेट। अरेंज टेम्परेचर ग्रेडियंट्स एट क्रॉस सेक्शंस वन टू एंड थ्री in increasing order in steady state. Temperature gradient मतलब dt by dx है ना, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, फ्लो ऑफ हीट से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई स्टेडी स्टेट में क्या हम बोल सकते हैं थर्मल करंट सब में से बराबर फ्लो करेगा, थर्मल करंट इज सेम, इसका मतलब के ए डी टी बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शंस। इसका मतलब क्या है, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कम आएगी ना, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कम आएगी, जहां एरिया ज्यादा तो डी टी बाई डी एक्स कम, तो हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स एट थ्री
is least, then dt by dx at 2, then dt by dx at cross section 1. लेकिन ऐसा हम सिर्फ कब बोल सकते हैं बच्चों? स्टडी स्टेट पे ही बोल सकते हैं, है ना? स्टडी स्टेट पे ही ऐसा बोल सकते हैं। देखो मान लो क्या है, ये हमने T1 टेम्परेचर पे इस वाले एरिया को मेंटेन किया हुआ है, और ये जो एरिया है इसको हमने मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर किस पे? T2। T1 is greater than T2. ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थिकनेस T1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, थिकनेस T2, ठीक है? दोनों का एरिया सेम है, मतलब इस डायमेंशन को आप मान सकते हो कुछ L, ये डायमेंशन है कुछ बी, लेंथ और ब्रेथ वो दोनों के लिए सेम, ठीक है? फाइंड द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इन स्लैब्स के थ्रू स्टडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ हीट क्या होगा ये हमें पता लगाना। ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो क्या रेट ऑफ हीट फ्लो को हम T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते? दीज स्लैब्स कैन बी ट्रीटेड एज टू रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों बच्चों? दो रेजिस्टर्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं जो कि कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। अब ये आया कैसे, इसको एक बार समझ लो आप। देखो हम ऐसा करें
लेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी इज इक्वल टू आई इंटू पहली वाली स्लैब का रेजिस्टेंस, नहीं वो रेजिस्टेंस लिख लेंगे बाद, आर वन क्या है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेफ्ट स्लैब, और इसी तरीके से टी माइनस टी टू इक्वल टू आई इंटू आर टू एड वन एंड टू, क्या आ जाएगा टी वन माइनस टी प्लस टी माइनस टी टू इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टी वन माइनस टी टू बराबर आ गया आई इंटू आर वन प्लस आर टू के, तो आई की क्या वैल्यू आ गई बेटे टी वन माइनस टी टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन को लिख दो कितना वन बाई के वन टी वन बाई एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, आर टू हो जाएगा वन बाई के टू एल बाई ए, एरिया इज अगेन लेंथ इंटू, कैसा आ जाएगा हाँ बेटे बस मैं इसको वाइंड अप कर ही रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से समझ लो, क्या ये बात समझ में आती है बेटे, तो अगर मान लो आपके पास एक वन आफ्टर द अदर स्लैब्स कनेक्टेड हैं, उन सब के थ्रू होकर के हीट एक एंड से दूसरे एंड फ्लो हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे हीट करंट को लिखने का क्या होगा, उन स्लैब्स को हम मान सकते हैं कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, वो स्लैब्स कनेक्टेड मान सकते हैं, वो स्लैब्स कैसे कनेक्टेड है बच्चों, वो स्लैब्स जो है वो सीरीज, हाँ बोलो बेटे अब रही बात जंक्शन का रेजिस्टेंस पता लगाने, तो वो कैसे पता लगा सकते हो, यू कैन यूज इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन या टू में आप क्या करो ये करंट की वैल्यू पुट कर दो तो टी आ जाए, फ्रॉम वन आप क्या लिख सकते हो टी वन माइनस आई आर वन इज इक्वल टू टी, T1 माइनस आई आर वन इक्वल टू टी, ऐसा आप लिख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा ये पूरी I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें एक टर्म और पूछ ली जाती है बस आखिरी चीज और मैं बता देता हूं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट
इनके कहने का मतलब क्या है कि साहब अगर पूरी को अपन एक स्लैब से रिप्लेस कर दें ऑफ वन थर्मल कंडक्टिविटी, स्टिल द रेजिस्टेंस कम्स आउट एट एज सेम, सो दैट करंट कम्स आउट एट सेम. तो हम क्या करेंगे, वन बाई के वन एल वन बाई ए प्लस वन बाई के टू एल टू बाई ए, आर वन प्लस आर टू ये पूरे का रेजिस्टेंस है, इसको किसके इक्वेट आप कर दो, वन बाई के इक्विवेलेंट टी वन प्लस टी टू बाई अगेन एरिया, तो वही एरिया. तो ये जो क्वांटिटी आएगी इसको क्या कहोगे आप, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, है ना. देखो अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो पूछ ही लेते हैं कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ कितनी, तो फिर हमें इस तरह से उसको करना पड़ेगा. तो आपके पास क्या आ जाए बेटे, एल इन टू बी से एल इन टू बी कैंसिल हो गया, तो वन बाई के इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई, टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी. T1 by K1 plus T2 by K2 upon क्या T1 plus T. तो ये बात है बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है.